हेलो टू ऑल द अमेजिंग पीपल आउट देयर, मायसेल्फ प्रेरणा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने बालों का, अपने स्कैल्प का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट स्कैल्प में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, ऑयली डैंड्रफ, स्वेटिंग होने लगती है, एंड कोई भी रेमेडी हम लगाते हैं अपने बालों के लिए, यूज करते हैं, वो अपना रिजल्ट एक्चुअली जैसा देती है वैसा नहीं दे पाती है। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे डूज एंड डोंट्स डिस्कस कर रही हूं, जिसकी वजह से आप अपना, अपने बालों का, अपने स्कैल्प का बहुत ब्यूटिफुली ख्याल रख सकते हैं एंड यू कैन रियली रिस्ट्रिक्ट द हेयर फॉल। सबसे पहले मैं हेयर फॉल के ऊपर एक स्पेशली वीडियो कर चुकी हूं, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। दैट हेयर फॉल इज नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ। अगर आपको मॉनसून सीजन में या स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सीजन में हेयर फॉल नहीं होता है तो ये टेंशन की बात है। पतझड़ में अगर पत्ते ना गिरे, दैट्स व्हाट इज कंसर्निंग। और अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग हैं तो नेचर ये बोलता है दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ सर्टन फॉलिकल्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। किसी को विंटर्स में हेयर फॉल होता है, किसी को समर में होता है, किसी को मॉनसून में। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को मॉनसून सीजन में हेयर फॉल होता है and therefore a lot of panic. So first and foremost, absolutely no panic. आप वो वीडियो देखिए, समझिए हेयर फॉल क्या है, रिलैक्स एंड देन थिंक अबाउट वॉट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट। सबसे पहला टिप वुड बी कीप योर हेयर ड्रायर्स, योर स्ट्रेटनर्स, योर कर्लर्स, योर आयनिंग मशीन्स एंड जितने भी आप एक्सेसरीज यूज करते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग एंड ओवर स्टाइलिंग के लिए, उन सबको पैक करके अलग रख दीजिए। मॉनसून सीजन इज नॉट फॉर स्ट्रेसिंग योर हेयर आउट। मॉनसून सीजन में हेयर एंड स्कैल्प ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो डू नॉट स्ट्रेस देम इवन मोर यूजिंग ऑल दीज आर्टिफिशियल हीटनिंग एंड स्टाइलिंग टूल्स। एज अ सब्स्टिट्यूट, एब्सोल्युटली आप हीटलेस कर्ल्स, हीटलेस डिफरेंट वेव्स एंड बहुत सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो उसके बारे में किया हुआ है, हीटलेस कर्ल्स आप कैसे अचीव कर सकते हैं, गो एंड चेक दैट आउट, इट इज अमेजिंगली ब्यूटिफुल हेयर स्टाइल। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वुड बी, आप जितना भी हेड वॉश करते हैं, लाइक अगर आप वीक में दो बार हेड वॉश करते हैं तो मेक इट थ्री टाइम्स नाउ। रीजन बीइंग, ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो स्कैल्प है वो जल्दी जल्दी स्वेट करने लगता है। कुछ लोगों को नहाने के इमीडिएट बाद ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको, यू हैव टू कीप योर स्कैल्प एंड योर हेयर एब्सोल्युटली क्लीन। कुछ लोग सोचते हैं अगर ज्यादा बाल नहीं धोएंगे तो शायद हेयर फॉल नहीं होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हेयर फॉल जितना होना है वो होगा, आप बाल धोइए या ना धोइए, बल्कि ना धोने की वजह से आप चांसेस बढ़ा रहे हैं कि आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डर्ट एक्यूमुलेट हो जाए एंड यू वुड नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस जो आप अपने हेयर फॉलिकल्स को दे देंगे। देयरफॉर प्लीज आप अपने हेयर वॉश कीजिए, जितना भी आप करते हैं उसे थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हॉट ऑयल मसाज। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बालों के लिए आप ऑयलिंग कीजिए, आप मसाजेस कीजिए, बट हॉट ऑयल मसाजेस आर स्पेसिफिकली फॉर द मॉनसून सीजन। क्यों? क्योंकि मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप कोई भी रेमेडी लगाकर देख लीजिए, आपको नॉर्मली जो वो रेमेडी आपको रिजल्ट देगी वो मॉनसून सीजन में उतना ज्यादा, यू नो, इट वुड नॉट बी एट पार विद जो नॉर्मली होता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके हेयर फॉलिकल्स को, आपके स्कैल्प को थोड़ी सी ज्यादा डीप कंडीशनिंग चाहिए, आपके स्कैल्प को कोई ऐसी रेमेडी चाहिए विच कैन पेनिट्रेट अंदर रूट्स तक जा सके। वॉट वुड दैट बी? दैट वुड श्योरली बी अ हॉट ऑयल मसाज। आप कोई भी ऑयल, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, सीसेम ऑयल, जो ऑयल आप कंफर्टेबल हैं आप उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हल्का सा ल्यूक वार्म कर लीजिए एंड देन यू नो जेंटल हैंड्स के साथ, नेवर विगरसली जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। हमें वैसा मॉनसून सीजन में नहीं करना चाहिए बिकॉज हेयर जो जो आपके क्यूटिकल्स हैं, जो आपके जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो आप उनको बहुत विग्रेसली करेंगे तो दे हैव टू टेक अ साइड एंड दे विल जस्ट लीव द हेयर फॉलिकल और आपका हेयर फॉल ज्यादा हो जाएगा एंड अगेन द सेम साइकिल कंटिन्यूज ऑफ पैनिकिंग एंड देन यू नो डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड लाइक टेकिंग सप्लीमेंट्स। डोंट डू दैट। मॉनसून सीजन में आप डेफिनेटली हॉट ऑयल मसाजेस कीजिए,
हॉट ऑयल मसाज आप कैसे करेंगे, आपको कोई सा भी जो भी आप कंफर्टेबल है वो ऑयल लेंगे, उसको ल्यूक वार्म करेंगे और उसके बाद जेंटल हैंड से आप अपने रूट्स में लगा लेंगे। अगर आप लेंथ मिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप लेंथ में भी फ्री बिल्कुल लाइटर हैंड से आप मसाज कीजिए एंड देन वॉश योर हेयर ऑफ नॉर्मली। अगर कर सकते हैं थोड़ा सा और एफर्ट तो आप हॉट टॉल हल्का सा तौलिए को यू नो गुनगुने पानी में डुबा के अच्छे से निचोड़ के एंड देन कवर योर हेयर, इससे आपको फ्रिज में भी आपको काफी ज्यादा निजात मिलेगी क्योंकि मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी की वजह से फ्रिज बहुत ज्यादा आने लगता है, तो आपको फ्रिज नहीं होगा, आपका जो आपने ऑयलिंग मसाज किया है वो डीप पेनिट्रेट होगा एंड जो रिजल्ट है ऑयलिंग का वो थोड़ा इट विल लास्ट लॉन्गर। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि हेयर ऑयल मसाजेस आपके स्कैल्प को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नरिशेस द स्कैल्प, इट स्ट्रेंथन्स योर हेयर, इट गेट्स रिड ऑफ ऑल द एक्सेसिव ऑयल जो बालों में आ जाता है एंड इट डेफिनेटली रिलीव्स योर फ्रिजीनेस। ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है तो व्हाट एल्स डू वी वांट इन द मॉनसून सीजन। हेयर मास्क हम सभी यूज करते हैं बट मॉनसून सीजन में प्लीज फैसिलिटेट आप हनी कर्ड लेमन एंड बनाना इन चारों को किसी भी रेशो में कभी कोई दो मिक्स मिक्स करके एंड या इंडिविजुअली यूज करते रहिए बिकॉज ये चारों चीजें आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट डोमिनेटिंग थिंग जो आपके बालों को इस टाइम पे भी वो नरिशमेंट दे सकती है जो इट रिक्वायर्स। व्हाट आर द फोर थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर, हनी कर्ड बनाना एंड लेमन, ये चारों चीजें आपको रिलीजियसली कभी आप दही लेमन मिक्स कर लीजिए, कभी आप दही एंड हनी मिक्स कर लीजिए एंड सो यू सी। अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है और प्रोटीन रिच में आपका आता है मिल्क, आपका आता है पनीर, आपका आता है फिश, अगर आप खाते हैं तो फिश, मीट एंड एग्स, all of these things, coconut water से आपकी स्किन, आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे that you would not require any other supplements for your hair. Coconut oil आपके घर के आसपास everywhere available, अगर हम उसकी calculation देखें कौन लेके आएगा क्या करेंगे, it is 40 rupees, 40 into 30, 1200 rupees a month for your skin and hair. Believe me, it is absolutely nothing. इतना तो हम shampoo ले आते हैं which is nothing but chemical. तो आप कोकोनट ऑयल का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए सीजन में एंड सी योर स्किन एंड योर हेयर ग्लो। वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो भी सीजन में कर रहे होते हैं वो उस सीजन में तो उन चीजों को जो भी नेगेटिव चीजें उनको रिस्ट्रिक्ट तो करता है लेकिन इट ऑल्सो नरिशेज योर स्किन एंड योर हेयर फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो अगर आप हम विंटर में बहुत सारा घी वी एंड एवरीथिंग वी कंज्यूम लेकिन इट बेनिफिट्स अस इन द समर सीजन, सो यू अंडरस्टैंड लाइक इस सीजन में आप जो कुछ भी करेंगे वो अगले सीजन में आपको दिखेगा, यानी कि अगर आपको इस वक्त ज्यादा हेयर फॉल हो रही है तो आपने पिछले सीजन में बहुत बुरा ख्याल रखा है। नेक्स्ट वुड बी एब्सोल्युटली अवॉइड इलास्टिक बैंड्स। बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत सारे फैंसी चीजों में अवेलेबल है इलास्टिक बैंड्स तो हम ले लेते हैं, आई नेवर यूज इलास्टिक बैंड्स एट ऑल क्योंकि इलास्टिक बैंड आप जितनी बार निकालेंगे वो दो या तीन स्ट्रैंड्स अपने साथ ही ले जाता है, तो मेक श्योर कि आप इलास्टिक बैंड्स की जगह कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन कपड़े का हो या कोई भी सॉफ्टवेयर मटेरियल से बना हुआ बैंड आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें। एंड द लास्ट वुड बी विनेगर हेयर रिंस। हेयर रिंस के बारे में मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं बिकॉज हेयर रिंस बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपके बालों के लिए इट कुड बी यू नो इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हेयर रिंस क्या होता है, आप जैसे भी अपने हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, अगर आपके बाल ड्राई है तो कंडीशनर यूज करते हैं और उसके बाद हम कंडीशनर को वॉश ऑफ करके एंड देन वी आर गुड टू गो। बट अगर आप अपने बालों को थोड़ा सा और न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हैं तो जैसे आप संडे को घर हैं आप क्या कीजिए, आप हेड वॉश कीजिए एंड उसके बाद आप कंडीशनर करते हैं तो कंडीशनर कीजिए एंड आफ्टर दैट हेयर रिंस यूज कीजिए। अब हेयर रिंस क्या है, हेयर रिंस इज अ मग में आप पानी लीजिए, लेट्स से टू कप्स ऑफ वाटर आप मग में ले लीजिए एंड देन 1 tablespoon ऑफ विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली, अगर नॉर्मल विनेगर भी है तो भी इट्स फाइन, बेटर है आप कोई ऑर्गेनिक और नेचुरल सा यूज करें, तो आई प्रेफर यूजिंग एप्पल साइडर विनेगर।
आप 1 टेबलस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर 2 कप्स ऑफ वाटर में डाल के उसे अच्छे से स्टर कर लीजिए और नहाने से पहले वो मग अपने यू नो वेर एवर इन द बाथरूम आप रख लीजिए। वंस यू आर डन विद योर कंडीशनिंग, आप यू नो यू आर एब्सोल्युटली डन, आप उस मग से अपने बालों में यू नो रूट्स के थ्रू अच्छे से उस पानी को बहने दीजिए थ्रू आउट द लेंथ एंड एवरीथिंग एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपको उसको वॉश नहीं करना है, उसको बालों में रहने देना है। आप वीकली ये चीज कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके बालों में जो बहुत ज्यादा जिनको ऑयलिंग का इश्यू है, बहुत जल्दी जल्दी ऑयल आ जाता है बालों में, या जिनका पीएच बैलेंस इज लाइक थोड़ा सा गड़बड़, तो दिस रेमेडी दिस हेयर रिंस कुड बी लाइक अ वरदान फॉर यू। तो मॉनसून सीजन में बहुत सारे हेयर रिंस होते हैं, आई माइट डिस्कस ऑल ऑफ देम विद यू इन सम वीडियो, बट मॉनसून सीजन में आप विनेगर हेयर रिंस एब्सोल्युटली ट्राई करके देखिए, आई एम नॉट सेइंग आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दीज वर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू आउट कि आपका जो मॉनसून सीजन का हेयर फॉल है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके, कुछ हद तक कम हो सके, लेकिन अगर हो भी रहा है डू नॉट पैनिक, रिलैक्स एंड कीप डूइंग समथिंग और द अदर। सबसे माय फेवरेट ऑफ ऑल द टिप्स वुड बी हॉट ऑयल मसाजिंग, बिकॉज हॉट ऑयल मसाजिंग कुछ लोग बोलते हैं हमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है ऑयलिंग करते टाइम, होने दीजिए, बिल्कुल होने दीजिए, आपके बालों को आदत नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है मसाजिंग की, तो ग्रेजुअली होगी, तो आप स्लो हैंड से सॉफ्टर हैंड से करते रहिए एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस हॉट ऑयल मसाजिंग इन दिस सीजन दैट इज द मॉनसून सीजन फॉर योरसेल्फ। ये आपका हेयर रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, हेयर फॉल का रिस्ट्रिक्शन भी करेगा एंड ऑल्सो इट विल मेक योर स्कैल्प एंड हेयर एब्सोल्युटली हेल्दी। तो इस वीडियो में मैं यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। ऑल्सो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद देयर फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया एंड दे आर लविंग मी टू, थैंक यू सो वेरी मच। ऑल ऑफ यू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू अबाउट द हेयर। Till then, take really, really good care of yourself and your family and stay gorgeous.